जो ग्राउंड है वहां पर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो अतिरिक्त फोर्सेज हैं वो बुलाई गई हैं, यानी सीधे तौर पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अब सख्ती करने की जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले ही जो काउंटिंग जो कह सकते हैं कि हाउस बनाया गया था वहां पर तो उसके आसपास तो जाने ही नहीं दिया जा रहा, लेकिन अंदर अभी भी माहौल जो है वो गर्म है, अंदर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, हंगामा जो है अंदर अभी भी किया जा रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम हंगामे की बात करें तो जिस तरह से लोग अंदर से जो निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे भी ये अंदर से निकल कर आए हैं, क्या क्या हुआ जी, क्या नंबर जो है वो टैली नहीं हो रहे, आपस में मिलान नहीं हो रहा है, मशीनों का कितनी मशीनों का 2-3 मशीनों का है, प्रशासन धक्के से गिनती कराना चाह रहा है, मैच नहीं कर पा रहे, मतलब क्या मशीनों का नंबर जो है वो टैली नहीं हो रहा, आपस में मिलान नहीं हो रहा, अभी 2 मशीनों का नहीं हो रहा, टेबल 2-3 है, काउंटिंग रुकवा दी, अभी काउंटिंग रुकी हुई है, मांग हमारी है कि जो मशीनों के नंबर टैली नहीं हो रहे वो मशीनों की गिनती ना हो और दोबारा से वो कराई जाए, दोबारा प्रशासन नहीं करवा रहा, दोबारा काउंटिंग नहीं करवा रहा, सभी पार्टियों का ऑब्जेक्शन है, प्रशासन क्या कह रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों का ऑब्जेक्शन है, प्रशासन का कैसा वो है, ईवीएम के जब मशीनों के जो नंबर हैं अगर वो नहीं मिलेंगे तो सभी का ऑब्जेक्शन है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट एमएलए का चुनाव लड़ रहा है चाहे पार्टी से, ये स्टार्टिंग है बूथ के हैं, बूथ कंफर्म नहीं अभी जी, मतगणना रुकी भी अंदर, हाँ भी मतगणना रुकी, नारेबाजी, बिल्कुल देखिए वही बात नवनीत जो है निकल कर सामने आई है कि ईवीएम की नंबर हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, जिस करके ये विवाद जो है वो गरमाता नजर आया, और सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि उन ईवीएम की जो काउंटिंग है वो ना की जाए, दोबारा से जो वो बूथ हैं वहां पर कह सकते हैं कि मतदान करवाया जाए और उसके बाद उनकी मतगणना हो, इस तरह के यहां पर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। ये भी कोई जानकारी मिल रही है कि अंदर भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं, मतगणना केंद्र के अंदर रोक दिया गया है ये, बिल्कुल देखिए अंदर जो है वो नारे भी लग रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी भी होती नजर आई है, लेकिन अब जिस तरह से वहां पर फोर्सेस जो है वो बड़ी संख्या में तैनात की गई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग और प्रशासन जो है वो इस हंगामे को शांत करने का प्रयास करता नजर आ रहा है कि जो मांग की गई है उसको एक बार चेक करवा लिया जाता है कि क्या वाक्य में ही ईवीएम के जो सीरियल नंबर है तो बिल्कुल तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जींद की लाइव तस्वीरें हैं जहां पर अभी कुछ देर के लिए मतगणना को रोका गया है, विनीत लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, जो है नवनीत 9408 का बताया गया है, दोबारा से एक अनाउंसमेंट हो रही है, मैं अनाउंसमेंट भी आपको सुनाना चाहूंगा, ये जितने भी काउंटिंग एजेंट जो कोई आवाज कर रहे हैं ये बस कृपा करके ध्यान दे लें, ये सारी चीजें हमने मैनेज कर ली है, बिल्कुल नवनीत सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो भी आपत्तियां थी उसका मिलान कर लिया गया है, जो भी सीरियल नंबर थे उनको मैच कर लिया गया है और यहां पर रिजल्ट जो है क्या ये माना जाए फिर से काउंटिंग शुरू हो गई है, अगर मिलान हो गया है विनीत तो इसका मतलब काउंटिंग फिर से शुरू हो गई है, लीड जो है वो बीजेपी की बरकरार है यहाँ पर, सीधे तौर पर जो कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले मतगणना जो है उस पर रोक लगा दी गई, विनीत क्या ये मान लिया जाए फिर काउंटिंग शुरू हो गई है दोबारा से, बिल्कुल देखिए जिस तरह से यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है तो उसके बाद स्पष्ट है कि काउंटिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितने भी काउंटिंग एजेंट हैं उनको ये कह दिया गया है कि इस ओर ध्यान दें, विवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, काउंटिंग यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है और इस राउंड की काउंटिंग जो है वो आगे से शुरू हो जाएगी, यानी 7वें राउंड की जो काउंटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है, इस बात के संकेत जो है वो अंदर से दिए जा चुके हैं और स्क्रीन के ऊपर भी जिला प्रशासन ने जींद की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, विनीत एक खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है कि सेवाएं बंद कर दी गई हैं और भारी पुलिस बल मौके पर बुला लिया गया है, क्या अपडेट है? देखिए सीधे तौर पर अगर हम अभी इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो अभी इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो किसी तरह से बाधित होती नजर नहीं आ रही हैं, हाँ अतिरिक्त पुलिस बल जरूर यहां पर तैनात किया गया था लेकिन उस सब के बीच में जो ये 7वें राउंड की जो डिटेल है उसको जिस तरह से ऑफिशियल तौर पर यहां पर प्रसारित किया गया आप देख सकते हैं कि लीड मार्जिन जो है 9408 वोटों का बताया गया है, इसी तरह से अगर हम टोटल वोट्स की बात करें तो यहां पर 72,445 वोट बताई गई हैं जो अभी तक यहां पर काउंट होती नजर आई हैं, जिसमें अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो उम्मीदवारों के नाम भी
भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसमें दिग्विजय चौटाला को इस राउंड के अंदर 3031 वोट जो है वो मिलते नजर आए हैं। इसी तरह से अगर हम विनोद आश्री की बात करें तो 716 वोट उनको यहाँ पर मिलते नजर आए हैं। डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा की बात करें तो उनको 2399 वोट, और इसी तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें तो उनको 1609।